थाने की पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान लक्ष्मी निषाद पुत्र मिश्री लाल निवासी चपरा पूर्वी थाना घनघटा जनपद संत कबीर नगर, दूसरा हौसला निषाद पुत्र सीताराम निषाद निवासी तुरकौलिया थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर, तीसरा श्याम लाल निषाद पुत्र बद्री निषाद निवासी अतरौलिया ग्राम रतुआ पार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, चौथा सुभाष निषाद पुत्र राम आश्रय निवासी चपरा पूर्वी थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर, पांचवा हरीश चंद्र गौतम पुत्र स्वर्गीय सोने लाल निवासी ग्राम शरायन नीलकांठ थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी का पिलास, पेचकस, चाबियों का गुच्छा, 99 ग्राम नशीला पाउडर अल्पाजोलम, 2 अवैध चाकू, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम सभी पहले से एक दूसरे को जानते हैं तथा एक साथ मिलकर बसों में यात्रा कर रहे लोगों का कीमती सामान चुरा लेते हैं। हम सभी पहले बस स्टॉप पर यात्रियों की रेकी करते हैं तथा उनके बस में चढ़ते ही तेजी से बस के आगे निकलकर अपने साथियों को मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। उसके बाद वह लोग बस में चढ़ जाते हैं और हम लोग 2 लोग मोटरसाइकिल लेकर बस के पीछे चलने लगते हैं। जब हमारे साथी बस यात्रियों को नशीला पाउडर खिलाकर पिलाकर या सुंघाकर बेहोश करके उनका सामान लेकर उतर जाते हैं तथा हम लोग इन्हीं मोटरसाइकिलों पर बैठकर भाग जाते हैं। यदि कोई हमारे बारे में जान भी जाता है तो हम लोग चाकू दिखाकर डराकर भाग जाते हैं। हम लोग घूम फिर कर अलग अलग शहरों में घटनाएं करते हैं ताकि पुलिस पकड़ ना सके। अभी भी हम लोग एक बस के पीछे ही चोरी करने ही जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि 5 अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक आशुतोष कुमार राय, कांस्टेबल आशुतोष यादव, शरद यादव, महिला कांस्टेबल ममता यादव शामिल रही। Gracias.